मॉर्निंग अगर तो सुबह उठ के मैं टूसना चालू कर देता हूँ। सुबह उठ के इतनी ज़्यादा भूख लगती है ना, पूरे दिन रात की, मतलब पूरे रात की फास्टिंग से के बाद, और जिम जाने से पहले मैं खाता हूँ ये एग और ब्रेड, इसके साथ है थोड़ी सी पीनट्स। ये मैंने सब प्रिपेयर किया था कल कल रात को, अमेरिकानों में पीता हूँ थोड़ी सी। मील्स प्रिपरेशन देखो यार कल की। सारी रेडी, रात को कितने बजे हैं, अराउंड 10 से ऊपर ही हो रहे हैं। तो वो मील्स में बता देता हूँ, ये है मेरी चिकन राइस 2 मील, एक मैं पोस्ट वर्कआउट में लेता हूँ, एक मैं खाने में लेता हूँ। 150 ग्राम्स ऑफ चिकन और 160 ग्राम्स ऑफ राइस है। ये है केले जो मैं कार्डियो के बाद लूँगा कल, ये 2 केले अराउंड 300 कुछ ग्राम्स। इसमें है 2 होल एग, एक एग वाइट, 60 ग्राम्स के आसपास ब्रेड है, 12 ग्राम की। यह है ओट्स, इसकी मैं रेसिपी इधर इधर जहाँ भी आता है यूट्यूब में वहाँ दे दूँगा। कि मेरी मील नहीं है ये, मम्मी की मील है। मम्मी के लिए मैंने मंगवाए हैं मसल प्लेस के डार्क चॉकलेट ओट्स, मैं तो अपने ओल्ड फैशन ओट्स ही खाता हूँ, उसे रहेंगे। और अब व्लॉग कंटिन्यू होता है। भाई ऑलमोस्ट रेडी हो गया हूँ और बॉल वॉल बना के बस बैग पैक भी हो गए, जूते पहन के निकलते हैं, ये निकलते हैं जिम के लिए अपने। ये रही अपनी डॉगी। हाँ भाई क्या हाल चाल। और ये रही अपनी बाइक। मौसम हो रहा है सुहाना सा और हम लगाएंगे आज इस पर चेस्ट डे, मतलब पुश डे। और ये पी रहा हूँ मैं क्रिएटिन रास्ते में, छोटा सा होल्ड लेके। यहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी वगैरह है जिस रास्ते से मैं जिम जाता हूँ, तो अच्छा लगता है यहाँ पे रुक के पीने में। तीसरे होल्ड के बाद दोबारा चलेगी गाड़ी। भाई पानी के बारे में बात करते हैं। मॉर्निंग में उठते ही एटलीस्ट 1 लीटर पानी पी लेना, एटलीस्ट क्या मतलब 1 लीटर पी लो इनफ है, उससे पूरे दिन का ना जो पानी का इंटेक है वो ठीक रहता है। तो मैं तो बेड से उतरते ही सबसे पहले पानी पी लेता हूँ बहुत सारा। अबे लिफ्ट बंद हो गई यार, भागो जल्दी, अबे नीचे नहीं जाना है भाई। एज यूजुअल ये चलता नहीं है, दूसरी बार में चला आज, पुरानी पंच में क्या इशू। स्विचिंग एरिया में स्विचिंग कर ली और अपना पुशअप्स करे थोड़े से, जस्ट अ वार्म अप, एंड नाउ वी आर गोइंग टू हेड टूवर्ड्स वेट सेक्शन। वेट सेक्शन में जाने से पहले ऊपर आके मैं कुछ 30-35 सेकेंड के आसपास रुकता हूँ। यहाँ पे सनराइज़ काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे देखने में, मॉर्निंग में फ्रेशनेस भी अच्छी लगती है। वर्कआउट ख़त्म हो गया, अब वर्कआउट के बाद मैं लेता हूँ 3 ग्राम के आसपास क्रिएटिन और 3 ग्राम के आसपास मॉर्निंग में लेता हूँ, अभी 2 ग्राम ही, मतलब 3-5 ग्राम लेता हूँ टोटल। और एक स्कूप पे चॉकलेट फ्लेवर कोई भी ले सकते हो, चाहे स्ट्रॉबेरी लो चाहे वनीला लो, एज यू विश। एक स्कूप हो गया अपना प्रोटीन, पानी में थोड़ा सा मिक्स करता हूँ जिससे रिच चॉकलेट फ्लेवर आए, और अभी इसमें ऑरेंज फ्लेवर क्रिएटिन है तो हो जाएगा ये पूरा अपना ऑरेंज और चॉकलेट ही। है मौसम बहुत अच्छा था, मतलब बारिश आने वाली है, देखो क्या अपने को तो ऑफिस जाना। वर्कआउट के बाद एक सौ प्रोटीन मिल जाए इससे अच्छा क्या चाहिए, है ना। अब ऑलमोस्ट 8:30 होने वाला है, जल्दी निकलना पड़ेगा ऑफिस के लिए, 10 बजे तक पहुँचना होता है मेरे को। भाई ड्रेसअप हो गया मैं, वो वर्कआउट नहीं मतलब वर्क के लिए, अब जाना है सीधा ऑफिस। बट अभी मील रह गई है तो रास्ते में चलते चलते मील लूँगा मैं। और ये रखा अपना बैग ऑफिस का, ये जिम वाला बैग मैंने यहीं रख दिया है क्योंकि शाम को करना होता है कार्डियो, तो कार्डियो यहीं पे आके करके फिर घर जाऊँगा। अब मिलते हैं रास्ते में, बाय।
रात को जो मील प्रिपेयर करी थी वो खाने का टाइम आ गया। मतलब मेट्रो से जाता हूँ मैं, और मेट्रो तक जाने में लगते हैं 10 मिनट के आसपास का वॉकिंग है, तो थोड़ा वॉक स्टेप्स भी हो जाते हैं। और अब चलते चलते मील खाएंगे, और कोई राइड रास्ता नहीं है। दिस इज़ वर्क लाइफ, सो दिस इज़ हाउ आई मेंटेन। ओके, ऐसे मेंटेन करता हूँ मैं डेली। तो अभी मतलब मैं सिर्फ खाऊंगा नहीं, खाते खाते हरी को कॉल कर लेता हूँ। अगर किसी ने देखा होगा पुराने ब्लॉग्स, गोवा ब्लॉग्स देखे होंगे तो पता होगा हरी कौन है, तो वो कैनेडा चला गया, तो उसे वीडियो कॉल पे बात कर लेता हूँ। अब मिलते हैं मेट्रो में, देखते कितनी भीड़ होती है। मेट्रो से आ गया मैं, मेट्रो में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना बता नहीं सकता मैं। डेली ऐसे ही होता है, इस टाइम पर ऑफिस आवर्स होते हैं इससे। अब जा रहे हैं ऑफिस के रास्ते में, ये भी 8 मिनट का वॉकिंग होता है, तो और स्टेप्स पूरे करेंगे। अब ऑफिस पहुंच के शायद रिकॉर्ड ना कर पाऊँ मैं, मतलब बोलना पाऊँ, रिकॉर्ड तो कर लूँगा। खाना खा के थोड़ा सा वॉक टाइम चल रहा है अपना, थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ 5-7 मिनट के आसपास अगर टाइम होता है तो। हाँ, इसके बाद काम पे लगेंगे, देखते हैं शाम को जल्दी निकल पाते हैं तो कार्डियो कंटेनर रहेगा। हाँ भाई, ऑफिस में फटाफट जाते हैं, मैंने पी थी कॉफ़ी, कॉफ़ी पीने के बाद खाया अपना चिकन राइस के बाद करी थी वॉक, वॉक के बाद पूरे दिन में मैंने पिया ऑलमोस्ट 3 लीटर के अराउंड पानी फ्री है पी लिया था। अब उसके बाद शाम को ओट्स खाए थे, ठीक है, ओट्स खा के फटाफट मैं निकला मेट्रो में ट्रेवल किया। अब मैं जा रहा हूँ जिम, काटे आप उसके बाद घर में मिलते हैं, लास्ट की मील दिखाएंगे, ऐसे ही डे है। हाँ भाई, कार्डियो हो गया, 30 मिनट्स का गया मैंने, और दिन के अगर डेली स्टेप्स काउंट करें तो अराउंड 6 के अराउंड स्टेप्स हो गए मेरे डेली के। एब्स भी कर लिए, अब जाते थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है। जिम को करते हैं आज के लिए अलविदा, अब मिलेंगे जिम में सीधा कर। 149 ओनली, और सस्ते हैं, 2 पैकेट उठा लो, बढ़िया डिस्काउंट में उठा लेना। अच्छे सस्ते से खरीद लिए थे केले, केले मैं हफ्ते के एक साथ ही खरीद लेता हूँ, और केले पे मिला अपने को 4 और एक्स्ट्रा केले का डिस्काउंट, क्योंकि अंकल के पास लास्ट केले बचे थे, मैं रेगुलर कस्टमर हूँ। और ओट्स मिले 290 के, 300 के भी नहीं, 290, काफ़ी बढ़िया ऑफर था। यह दाल, इसके अंदर मैंने छौंकते हुए डाल दी थी बीन्स, ताकि थोड़ी पक जाए बीन्स। पूरे दिन में बीन्स नहीं खाता, मतलब बीन्स क्या, ग्रीन्स कुछ भी नहीं खाता, तो ग्रीन वेजिटेबल में रात को दाल में बीन्स मिक्स होना अच्छी लगती है, ऐसा कुछ हो नहीं। और ये है क्यूकम्बर और राइस, इसके साथ सारा मैं मिक्स करके खाता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन। और कभी कभी मन करता है तो दही भी डाल देता हूँ, और टेस्टी लगता है। ठीक है, ये लास्ट मील है, इसको खाएंगे, उसके बाद सोएंगे, खाते खाते देखेंगे नारुतो। रूटीन पैटर्न है आई नो, पर स्टिल आज की वीडियो मैंने बनाई है, इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को पता चले कि ऑफिस लाइफ के साथ भी जिम वर्कआउट कर सकते हो। जो मैंने नॉन वेज मील बनाई है, अगर कोई वेज वाला बना है तो मेरे को कमेंट करना, मैं उसके ऊपर बनाऊँगा वीडियो। तो आप अपनी मील्स ले सकते हो, पूरे दिन खा सकते हो, वर्क प्रेशर ज़्यादा है फिर भी साइड पर बैठ के ओट्स खा सकते हो या आमंड्स खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, कितनी चीज़ें होती है, कैलरीज बैलेंस कर सकते हो अपनी। ठीक है, तो सबसे बेस्ट रहता है अगर ऑफिस लाइफ है तो मॉर्निंग में वर्कआउट करो। मॉर्निंग में वर्कआउट करेंगे तो स्किप नहीं होगा, मॉर्निंग में वर्कआउट करोगे शाम को स्किप नहीं होगा। अगर शाम को लेट बैठना पड़ गया या फिर शाम को करना कुछ काम है तो स्किप नहीं होगा। इसलिए मैं मोस्टली प्रेफरेबल मॉर्निंग ही करता हूँ, अगर मेरे को लगता है वर्क प्रेशर कम है और टाइम नहीं लगे तो मैं शाम को भी वर्कआउट करूँगा। मीन्स ऑलरेडी जैसे कल प्रिपेयर कर दिए, जैसे आज प्रिपेयर कर दिए कल के लिए, कल है फ्राइडे, लास्ट डे ऑफ द ऑफिस। नेक्स्ट लोग अगर किसी के पास कोई कंटेंट सजेशन है बताना नीचे, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, एंड बाय बाय।